गुरुकारी शासन जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। हरप्रीत कौर जी आप जी रामकली की वार शुरू करो जी प्लीज। मैं बाकी सेवा दे लिस्ट होने भेज रही हूँ जी। बिल्कुल पढ़ लो जी। हाँ जी हाँ जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु जी वाहे गुरु वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु 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 जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी। श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान पंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत निरोधरा गुरुदेव सांत सद्बुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान भजन परंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतित पवित करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जपुद्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूल पापी जित लख तरा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा गुरुदेव सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी। बानी राम कली की वार राय बलवंत तथा सत्य डूमा की एक ओंकार सतगुरु प्रसाद नाओ करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीव दे दे गुना सत पैन प्राओ है पारंग दान पड़ीव दे नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीव दे लहने तरियन छत सिर कर सिफती अमृत पीव दे मत गुरातम देव ती खड़ग जोर पराकुए जी दे गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीव दे सह टिक्का दितोस जीव दे लहने दी फिर आईए नानक दो ही खटिए जोत उहा जुगत साई सह काया फेर पलटिए चुले जो छत निरंजनी मल तखत बैठा गुर हटिए करे जे गुर फुरमाया सिल जो गलूनी चटिए लंगर चले गुर शब्द हर तोट ना भी खटिए खर्चे दित खसम दी आप कह दी खैर दबटिए होवे सिफत खसम दी नूर अरसो कुरसो चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिए सच जे गुर फुरमाया क्यों ऐदू बोलो हटिए पुत्री कोल न पालियो कर पीर हो कन मुरटिए दिल खोटे आकी फिरन बन पार उचायन छटिए जिनी आखी सोई करे जिन कीती तिने थटिए कौन हारे क्यों उबटिए किन उबटी कौन हारे किन उबटिए जिन कीती सो मनना को साल जीवा हे साली तरम राय है देवता लै गला करे दलाली सतगुरु आखे सच्चा करे सा बात होवे दरहाली गुर अंगद दी दोई फिरी सच करते बंद बहाली नानक काया पलट कर मल तखत बैठा सह डाली दर सेवे उम्मत खड़ी मस्कले होए जंगाली दर दर वेस खसम दे नाय सच्चे बानी लाली बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ प्रताली लंगर दौलत वंडिए रस अमृत खीर पे क्याली गुरसिखा के मुख उजले मन मुक्तिए पराली
पए कबूल खसम नाल जा काल मर्दी काली माता की भी सो सोए जिन गोए उठाली होरन रंग बहाइए दुनियाई आखे की क्यों नानक ईसर जगनाथ उच हदी वैन वीर क्यों मदाना पर्वत कर नेत्र बासक शब्द ऋण क्यों चौदे रतन निकालियन कर आवागोन चिलक्यून कुदरत एव खालियन जिन एवड पिंड ठिनक्यून लहने तरियन छत्र सिर असमान क्याड़ा चिक्योन ज्योत समानी ज्योत माए आप आपे से तीम क्यों सिखा पुत्रा कोख के सब उम्मत वे खोजी क्यों जा सुदोस ता लहना टिक्योन फेर वसाया फेर वान सतगुर खा डूर जब तप संजन संजम नाल तुद होर मुच गरूर लब विनाहे मानसा जो पानी बूर वरिये दरगे गुर की कुदरती नूर जित सु हाथ न लबी तू ओहि ठरूर नो निद नाम निदान है तुद विच भरपूर निंदा तेरी जो करे सो वंजे चूर नेड़े दिसे मात लोग तुद सुजे दूर फेर वसाया फेर वान सतगुर खा डूर सो टिक्का सो बहना सोई दीवान प्यो दादे जेवे आ पोता परवान जिन बासक नेत्रे कत्या कर नहीं तान जिन समुंद विरोलिया कर मेर मधान चौधे रतन निकालियन की तोन चानान कोड़ा की तो सहजदा जत की ओ पलान तनक चढ़ायो सतदा जम जस हंदा बान कल विच तू अंधार सा चढ़िया रैबान सत्तो खेत जमायो सत्तो छावान नित्र सोई तेरी क्यों मैं दा खान चारे कुंडा सुजियस मन में सबद परवान आवागो निवारियो कर नदर निशान ओ तरिया उतार ले सो पुरख सुजान चखड़वाओ न डोली पर्वत मैरान जाने बिरथा जी की जानी हूँ जान क्या सलाई सच्चे पातशाह जा तू सुगड़ सुजान दान ज सतगुरु पावसी सो सत्य दान नानक हंदा छत्र सिर उम्मत हैरान सो टिक्का सो बहना सोई दीवान पिउ दादे चेवे आ पोत्रा प्रवान तन तन राम दास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया पूरी होई करामात आप सिरजन हारे तारिया सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया अटल अथा अतोल तू तेरा अंत न पारा वारिया जिनी तू सेव्या पाओ कर से तुद पार उतारिया लब लोभ काम क्रोध मोह मार कड़े तुद सब परवारिया तन सो तेरा थान है सच तेरा पेशकारिया नानक तू लहना तुहे गुर अमर तू विचारिया गुर डिठा तामन सदारिया चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे हुआ आपीने आप साजियुन आपे ही थम खलोआ आपे पट्टी कलम आप लिखन आरा हुआ समुम्मत आवन जावनी आपे ही नवान रोआ तखत बैठा अर्जन गुरु सतगुर का खीवे चंदोआ उगवन होते आत्मनो चो चक्की कियन लोआ जिनी गुरु ना सेवेओ मन मुखा पे आमोआ दूनी चोनी करा मात सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे होआ जिनी गुरु ना सेवेओ मन मुखा पे आमोआ दूनी चोनी करा मात सच्चे का सच्चा टोआ चारे जागे चो जुगी पंचायन आपे हो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी ओ एक ओंकार सतगुरु प्रसाद लोक महला नौवा गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकार कीन
कहो नानक हर पल मना, जह बिध जल को मीन। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर पज मना, जह बिद जल को मीन। बिखियन स्यो काहे रच्यो, निमख न होए उदास, कहो नानक पज हर मना, पर न जम की फास। तर नापो इउ ही गयो, लियो जरा तन जीत, कहो नानक पज हर मना, औध जात है बीत। बिरध पयो सूझे नहीं, काल पहुंचे उकान, कहो नानक नर बावरे, क्यों न पजे भगवान। तन दारा संपत सगल, जिने अपनी कर मान, इनमें कछु संगी नहीं, नानक साची जान। पतित उदारण पै हरण, हर अनाथ के नाथ, कहो नानक तह जानिए, सदा वस्तु तुम साथ। तन तन जह तो को दियो, तास्यो ने हो नकीन, कहो नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीन। तन तन संपे सुख दियो, और जह नीके ताम, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहे न कोए, कहो नानक सुन रे मना, तह सिमरत गत होए। जह सिमरत गत पाई है, तह पजरे तै मीत, कहो नानक सुन रे मना, औध कटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो, जानहु चतर सुजान, जहते उपजियो नानका, लीन तहि मैं मान। कट कट मैं हर जू बसै, संतन कहो पुकार, कहो नानक तह पज मना, पौ निध उतरै पार। सुख दुख जह परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया नाहि जह, कंचन लोह समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त तहे तै जान। हर्थ सोग जा कै नहीं, बैरी मीत समान, कहो नानक सुन रे मना, मुक्त तहे तै जान। कै काहू को देत नह, नह पह मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहि बखान। जह बिखिया सगली तजी, लियो पेख बैराग, कहो नानक सुन रे मना, तह नर माथे पाग। जह माया ममता तजी, सब ते पयो उदास, कहो नानक सुन रे मना, तह कट ब्रह्म निवास। जह प्राणी हो मैं तजी, करता राम पछान, कहो नानक वह मुक्त नर, एह मन साची मान। पैना सन दुर्मत हरन, कल में हर को नाम, निस दिन जो नानक भजै, सफल होहे तह काम। जेह बा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, परे न जम कै ताम। जेह बा गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना, पर है न जम कै ताम। जो प्राणी ममता तजै, लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरै, औरन लेत उदार। ज्यों सुपना और पेखना, ऐसे जग को जान, इनमें कछु साचो नहीं, नानक बिन भगवान। निस दिन माया कारण, प्राणी दौलत नीत, कोटन में नानक को नारायण जह चीत। जैसे जल ते बुदबुदा, उपजे बिन से नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। प्राणी कछु न चेतई, मद माया के अंध, कहो नानक बिन हर भजन, परत तहें जम पंध। जो सुख को चाहे सदा, शरण राम की लेह, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख देह। माया कारण ता वही, मूरख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन, बिरथा जन्म सिरान। जो प्राणी निस दिन पजे, रूप राम तह जान, हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। मन माया में फद रहो, बिसरे हो गोविंद नाम,
कहो नानक बिन हर भजन जीवन कौने काम। प्राणी राम नचे सई मद माया के अंध। कहो नानक हर भजन बिन परत तहे जम फंद। सुख में बहु संगी पए दुख में संग न कोए। कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत विरयो मिटियो न जम को त्रास। कहो नानक हर भज मना निरपै पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहो मिटियो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक पदयो राख लेहो भगवान। जतन बहुत मैं कर रहो मिटियो न मन को मान। दुर्मत स्यो नानक पदयो राख लेहो भगवान। बाल जवानी और बिरद कुन तीन अवस्था जान। कहो नानक हर भजन बिन बिरथा सब ही मान। करुणो हुतो सो ना कियो परयो लोभ कै फंद। नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया में रम रहो निकट नाही नमीत। नानक मूरत चित्र ज्यो छाड़त नाही न पीत। नर चाहत कछ और की और कई चितवत रहो ठगोर। नानक फांसी गल करी जतन बहुत सुख के किए दुख को कियो न कोए। कहो नानक सुन रे मना हर पावे तू होए। जगत पिखारी फिरत है सबको दाता राम। कहो नानक मन सिमरत है पूरन हो वह काम। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यो जान। इनमें कछु तेरो नहीं नानक कहो बखान। गर्भ करत है देह को बिनसे छिन में मीत। जह प्राणी हर जस कहो नानक तह जग जीत। जह कट सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान। तह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान। एक भगत भगवान जह प्राणी के नाहि मन। जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहि तन। स्वामी को ग्रह ज्यो सदा स्वान तजत नहीं नेत। नानक एह बिद हर पजो एक मन हुए एक चित। नानक एह बिद हर पजो एक मन हुए एक चित। तीरथ बरत और दान कर मन में तरे गुमान। नानक ने फल जात तह ज्यो कुंचर स्नान। फिर कंपेओ पग डगमगे नैन ज्योत ते हीन। कहो नानक एह बिद पई तौना हर रसलीन। निज कर देखियो जगत में को काहू को नाही। नानक फिर हर भगत है तहरा को मन माहे। जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत। कह नानक फिर ना रहे ज्यो बालू की पीत। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार। कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने ज्यो संसार। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोए। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। एह मार्ग संसार को नानक फिर नहीं कोए। जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। नानक हर गुण गाय ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुटक्यो बंधन परे कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर गज ज्यो हो सहाय। बल होवा बंधन छुटे सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब तज गए को न निभो साथ। कहो नानक एह विपत में टेक एक रघुनाथ। नाम रहो साधु रहो गुरु गोबिंद। कहो नानक एह जगत में किन जपियो गुर मंत। राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए। जह सिमरत संकट मिटे
दरस तुहारो होए। राम नाम उर मैं गयो जाके सम नहीं कोए, जह सिमरत संकट मिटे दरस तुहारो होए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। शब्द हजारे मांज महला पंजवा, चौपदे कर पहला। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन पाई, बिलप करे चातक की न्याई। देखा न उतरे शांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। ओ कोली जियो कोल कुमारी, गुरु दर्शन संत प्यारे जियो। रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहज कुन बाणी। चिर होआ देखे सारिंग पाणी, तन सदेश जहां तू बसिया। मेरे सजन नीत मुरारे जियो, हो कोली हो कोल कुमाई। गुरु सज्जन नीत मुरारे जियो। आओ एक कड़ी न मिलते ता कल जुग होता, हुन कद मिलिए प्रिय तुझ पद भगवंता। मुह रहन न विहावै नींद न आवै, बिन देखे गुरु दरबारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, तिस सच्चे गुरु दरबारे जियो। आओ पाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मैं पाया। देव करी पुल चसा न विछुड़ा, जन नानक दास कुमारे जियो। हो कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास कुमारे जियो। रहाओ सनासी महला पहला, पर पहला चौपदे एक ओंकार। सतनाम करता पुरख ने पो, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंग प्रसाद। जियो डरत है आपना, कैसियो करी पुकार। दुख विसारण सेविया सदा सदा दातार। साहिब मेरा नीत नवा, सदा सदा दातार। रहाओ अंदिन साहिब सेविये, अंत छड़ाए सोए। सुन सुन मेरी कामणी, पार उतारा होए। दयाल तेरे नाम तरा, सदगुरु बाणे जाओ। रहाओ सरबम साचा एक है, दूजा नाही कोए। ताकि सेवा सो करे, जा फुलदर करे। सुध बाज प्यारे केव रहा, सावड़े आई दे। जित नाम तेरे लाग रहा, दूजा नाही कोए। जिस आगे प्यारे जाए कहाँ। रहाओ सेवी साहिब आपना, अवर न जाचो कोए। नानक ताका दास है, बिंद बिंद चुक चुक होए। साहिब तेरे नाम तो, बिंद बिंद चुक चुक होए। रहाओ तिलंग महला पहला, कर तीसरा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद एह तन माया पाया प्यारे, नीतड़ा लभण पाए। मेरा कंत न पावे छोड़ा प्यारे, क्यों तन से जय जाए। हो कुर्बाने जाओ मेहरबाना, हो कुर्बाने जाओ। हो कुर्बाने जाओ तिना के, लैन जो तेरा नाओ। लैन जो तेरा नाओ तिना के, हो सद कुर्बाने जाओ। रहाओ काया रंगण जे पिए प्यारे, खाइए नाओ मजीठ। रंगण वाला जे रंगे साहिब, ऐसा रंग न दीठ। जिनके चोले रतड़े प्यारे, कंत तिना के पास। तूर तिना की जे मिले जी, कहो नानक की अरदास। आपे काजे आपे रंगे, आपे नदर करे। नानक कामण कंत पावे, आपे ही रावे। तिलंग महला पहला, यानड़िए मानड़ा काय करे। आपन को की ना माने, तो नेड़े तन कमलिए, बाहर क्या ढूंढे। पै किया देह सलाया नैनी, पाओ का कर सिंगारो। आप जानिए लागी, जा सो तरे प्यारो। यानी बाली क्या करे, जा तन कंत न पावे। करण पलाह करे बहु तेरे, सा तन महल न पावे। न पाइये नाही, जे बहु तेरा तावे। बिन कर्मा की छुपाई है नहीं, जे बहु तेरा तावे।
लब लोभ अहंकार की माती माया माहे समानी इन्हीं बाती को पाइये नाही पई काम यानी जाए पुछो सुहागनी वाहे किन्नी बाती सो पाइये जो किच करे जो किच करे सो पला कर मानिए हिकमत हुकम चुकाइये जाके प्रेम पदार्थ पाइये तो चरणी चित लागे सो कहे सो कीजे तन मनो दीजे ऐसा परम ललाइये एव कहे सोहागणी पैने इन्हीं बाती सहो पाइये आप गवाइये ता सहो पाइये और कैसी चतुराई सहो नदर कर देखे सो दिन लेखे कामण नौ निद पाई अपने कंठ प्यारी सा सोहागण नानक सास बराई ऐसे रंग राती सहज की माती एनिस पाए समाणी सुंदर साय स्वरूप विचक्षण कहिए सा सियाणी तू ही महला पहला कौन तराजी कवन तुला कवन सराफ बुलावा कौन गुरु कै पह दीख्या लेवा कै पह मुल करावा मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना तू जल थल महीयत पर पुर लेना तू आपे सर्ब समाना रहा हो मन तारा जी चित तुला तेरी सेव सराफ कमावा कटही पीतर सो सह तोली इन बिद चित रहावा आपे कंडा तोल राजी आपे तोलन हारा आपे देखे आपे बुझे आपे देखे आपे बुझे आपे है वणजारा अंधला नीच जात पर देसी किन आवे किन जावे ताकि संगत नानक रहदा क्यों कर मूड़ा पावे अकाल राज बिलावल महला पहला चपते कर पहला तू सुल्तान कहा हो निया तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहा स्वामी मैं मूर्ख कह न जाई तेरे गुण गावा देह बुझाई जैसे सच में रहो रजाई रहाओ जो किछ हुआ सब किछ तुझते तेरी सब असनाई तेरा अंत न जाना मेरे साहिब मैं अंधले क्या चतुराई क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं कथ न कथ ना जाई जो तुझ पावे सोई आखा तिल तेरी ओडियाई एते कुकर हो देगाना पौका इस तनताई पंतहीन नानक जे होएगा ता खसने नाव न जाई बिलावल महला पहला मन मंदर तन वेस कलंदर कटही तीर सुनावा एक शब्द मेरे प्राण बसत है बाहुर जन्म न आवा मन भेजा दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाओ अगम अगोचर चिंता करो हमारी जल थल महियल पर पुर लीना कट कट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदिर छावा तेरे तुझ बिन अवर न जाना मेरे साहेबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा इत नानक की अरदासे जी जंत सब शरण तुम्हारी सर्व चिंत तुद पासे जो तुद पावे सोई चंगा इत नानक की अरदासे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह धन 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 श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी धन धन श्री गुरु गोविंद सिंह साहिब महाराज जी वाहिगुरु वाहिगुरु सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सतगुरु मा नाम माला एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय अत श्री सतगुरु नाम माला पुराण लिख्यते पाशाही दसवीं दोहरा साग सरोही सैफ अस तीर्थ पक तरवार
सत्रातक पव चात कर करिए रचा मार अस कृपान धारा धरी सैफ सूल जम दाढ़ कव चातक सत्रात कर तेग तीर तर बाढ़ अस कृपान खडो करग तुप तबर अतीर सैस रोही सैथी यहे हमारे पीर ती तू ही सैथी तू ही तबर तरवार नाम तिहारो जो जप है पे सिंध पवार काल तू ही काल तू ही ते गार तीर तू ही निशानी जीत की आ तू ही जगवीर तू ही सू सैथी तबर तू निकंग अरबान तू ही कटारी सेल सब तू ही कर कृपान सशस्त्र अशस्त्र तुम ही सिपर तुम ही कवच निखंग कवचातक तुम ही बने तुम व्याप्त सर्वंग श्री तु ही सब कारण तु ही तो विद्या को सार तुम सबको उपराज ही तुम ही लियो वार तुम ही दिन रजनी तुम ही जैन उपाय कौतक हिरण के नमित तिन मो बार बढ़ाए हस की पान करो करग सैक तरवार रच करो हमरी सदा कवचातक करवार तुही कटारी दान जंतु बिछो अरबान तो पत पद जय लीजिए रच दास मोय जान बाक बज बिछो तुही तब तरवार तुही कटारी सैथी करिए रच कमार तुही गुरज तुही गदा तुही तीर नुक्त पंग दा जान मोरी सदा रच करो सर्वंग तुही कलम रिप करद बन खंजर भुगदानाय जग सब जगत को मोय तुम ले बचाए प्रथम उपावो जगत तुम ही पंथ बनाए आ तुम ही चगरा करो तुम ही करो सहाय मच कर बारा तुम बावन अवतार नार सिंह बवदा तुही जगत को सार तुही राम श्री कृष्ण तुम ही विषण रूप तुही प्रजा सब जगत की तुही आपकी पूप तुही विप्र छत्री तुही रख राव साम दाम कर दंड तू तुही वेद भाव सी तुही काया तुही तै प्राणी के प्राण तै विद्या जग बक्र होय करे वेद बख्यान विसिख वान तन खागर बन सर कैबर जय नाम तीर खतंग तार चो सदा को मम काम तुही हाले सत्र अर मृग अंत सिवान तुम बैरम प्रथम हनो बारो बजे कृपान तुम पाटस फासी परस परस सिद्ध की खान तेज के राजा पे दिए तब जय वरदान शीर सत्र अर अर यार अस खंडो खड़ कृपान सत सुरेश तुम कियो भगत आपनो जान जंदर जंदाड़ा जबर जुदा तक जे नाए लूट कूट ली जित तिने जे बिन बादे जाए वाक गल बिछो विशेक विरे वान स्वरूप जिनको तुम कृपा करी पे जगत के पूप सस्ते सस्ते सस्तेसर सम्राट का सिप्रार समशेर मुकद जाल जम के पे जिने गयो इक वेर सैस रोई सत्र सारंगा जय नाम सदा हमारे चित्त बसो सदा करो मम काम सदा हमारे चित्त बसो सदा करो मम काम इति श्री नामाला पुराणे श्री भगवती पुस्तत्प्रितं तियाये स्मादं सत शुभम सत किमा करना वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह बेनती चौपे साहेब इक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कवियो पाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चंदन मन रे हमारा अपना जान करो प्रतवारा हमरे दुष सबे तुम कावो आप आते मोए बचावो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन को आसंगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर बचन की रहे प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊ जो बर चाऊ सो तुम ते पाऊ सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सत्र हमारे मारिये
आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, पूजो सदा हमारे पच्चा, श्री अस्तु जो करो रक्षा, राख लियो मोय राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम प्री चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा बक्तरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विषण प्रकाशा, सगल काल का किया तमाशा, जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो, आदि अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, शिव कन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोह बद कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछान, चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष कर कूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, कट कट के पट पट की जाने, जबुद करक करा कर तारा, प्रजा तब दे अपारा, जबया करक कर तू कहूं, तुम मैं मिलत दे कर सब हूं, जेते बदन से सब तारे, आप अपनी बोझ उचारे, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बेद भेद अरियालम, निरंकार निकार निलम, आद अनिल अनाद असम, ताका मूड उचारत बेदा, जांको पेव न पावत बेदा, तांको कृपाहन अनुमानत, महा मूड कछ पे न जानत, महादेव को कह सदा से, निरंकार का चीनत नैपे, आप अपनी बुद्ध है जेती, वर्णत पिन पिन तो तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, कैबे सजा प्रथम संसारा, एके रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव के पूपा, अंडर जेरस से तजगीनी, उत्पज खान बहुर रजदीनी, कहूं फूल राजा है बैठा, कहूं सिमट प्यो संकरे कैठा, सगरी शेष दिखाए अचंबो, आज जुगास रूप से अंबो, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबारा सिख संगरो, दुष्ट ते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण काता, जे अस तुझ तब सरनी परे, तिनके दुष्ट कथ है मरे, पुरख जवन पक परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे, जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं, रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट रे तत्काला, कृपा दृष्टन जाय ने हरियो, ताके ताप तनिक मोह हरियो, रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट छाड़ सके ना कोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताए उबारा, जिन नार नाम तिहारो कहा, दार दुष्ट होते रहा, खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ दे लेओ उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई, खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लियो उबारी, सर्ब ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लियो बचाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रह राज साहिब हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे, हर नाक्स दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारी आनंद का पिठ दे, नाम देव मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंतले छड़ाया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पिया, जा सुख ताम न होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी न होई, बलिहारी कुदरत वस्या, तेरा अंत न जाई लख्या रहाओ, जात में जोत जोत में जाता, कल कला भरपूर रहा, तू सच्चा साहिब तू सच्चा साहेब, सिफत सवाल्यो जिन की ती सो पार पिया, कौ नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहा। सोदा रागा समहला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सोदर तेरा केहा सो कर केहा, जित वै सर्व समाले, बाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते तेरे बावन हारे, केते तेरे राग परिस्यो कहिए, केते तेरे गावन हारे,
गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चेत गुप्त लिख जान लिख लिख तरम विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्र आसन बैठे देवत्या दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़ रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मच्छ प्याले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अड़सठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महावल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहेब साचा साची नाई हैपी होसी जाए न जासी रचना जन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जनो पाई कर कर देखे कीता अपना जो तिस दी वड्याई जो तिस पावे सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पासा सहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखे सब कोए केवड वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहया जाए कहने वाले तेरे रहे समाए बड़े मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा केता केवड चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई कह न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाईया सिद्धा पुरखा किया बढ़ियाईया तुद बिन सिधी किने ना पाईया करम मिले नाई ठाक रहाईया आखन वाला क्या बेचारा सिफती परे तेरे भंडारा जिस तू देहे तिसे क्या चारा नानक सच सवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा बिसरे मर जाओ आखन औखा साचा नाओ साचे नाम की लागे भूख उत भूखे खाए चलिए दुख सो क्यों बिसरे मेरी माए साचा साहिब साचे नाए रहाओ साचे नाम की तिल वड्याई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलके आखन पाहे बड़ा न हो वै घाट न जाए ना हो मरे न हो वै सोग देदा रहे न चुके भोग गुणे हो होर नाही कोए ना को हो आ ना को होए जे वड्याप ते वड तेरी दात जिन दिन करके कीती रात खासम बिसारे ते कम जात नानक नावै वाज सनात रा गुजरी महला चौथा हर के जन सत गुर सत पुरखा बिनो करो गुर पास हम कीरे किरम सत गुर सरणाई कर दया नाम परगास मेरे मीत गुरदेव मोको राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रह रास रहाओ हर जन के बड़ भाग बडेरे जिन हर हर सरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तास मिल संगत गुण परगास जिन हर 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 रस नाम न पाया ते भाग हीन जम पास जो सत गुर सरण संगत नी आए त्रेग जीवे त्रेग जीवास जिन हर जन सत गुर संगत पाई तिन तोर मस्तक लिखिया लिखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम परगास रा गुजरी महला पंजमा पाहे रे मंचित वे उदम जा आ हर हर जियो परिया सैल पत्थर मैं जंतु पाए ताका रिजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूखे काष्ट हरिया रहाओ जनन पिता लोक सुत बनता कोय न किसकी तरिया सिर से रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन पौ करिया उड़े उड़ावे सह कोसा तिस पाछे बचरे शरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करिया
सब निदान दास अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया रागा समहला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमागम पारा सब त्यावे तुद जी हर सच्चे सृजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया कहदा तारा हर त्यावो संतो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू कट कट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाना एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बिडाना तू आपे दाता आपे भुगता जी हो तुद बे न्यावर न जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाना जो सेवे तुद जी जन नानक तिन कुरबाना हर त्यावे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पे जिन हर त्याया जी तिन टूटी जमकी फासी जिन हर निरपो त्याया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से तन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन वल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करे हर पूजा जी तप तापे जपे बेअंता तेरे अनेक पढ़े बहु सिमर शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे वड़िया वरना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू निश्चल करता सोई तुद आपे पावे सोई वरते जी तू आपे करे सोई तुद आपे सिर सब पाई जी तुद आपे सिर सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सब सहका जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मैडा साई जो तो पावे सोई थीसी जो तू देह सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सब नित आया जिसनो कृपा करे तिन्ना अमृतन पाया गुरमुख लादा मन गुआया तुदा बिछोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझी माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे जी जन सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेल जिसनु तू जाना है सोई जन जाने हर गुण सद ही आख बखाने जिन हर सेविया तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोए तू कर कर वेखे जाने सोए जन नानक गुरमुख प्रगट होए आसा महला पहला तित सरवरड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोपग्नि चले हम देखा तै डूबियले मन एक न चेतस मूड मना हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ ना हो जति सती नी पड़िया मूर्ख मुगदा जन्म पया पणवत नानक तिन की सरणा जिन तू नाही विसरिया आसा महला पंजमा पई प्राप्त मानुख देवरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया अवर काज तेरे किते न काम मिल साध संगत पज केवल नाम सरंजम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाओ जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की राखो शर्मा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं चौपाई पुनरा शिष का काटा सीसा श्री असकेत जगत के ईसा
ओपन भ्रष्ट गगन ते पई सभे ज्ञान बधाई दई तन्य तन्य लोगन के राजा दुष्ट अंधा गरीब निवाजा खल पवन के सृजन हारे दास जान मोहिले हो वारे कवियो बाच बेंती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरण मन रहे हमारा अपना जान करो प्रत पारा हमरे दुष्ट सवे तुम काबो आप हाथ दे मोहे बचाबो सुखी बसे मोरो परिवारा सेवक सिख सवे करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को आय संगरिये पूरन होए हमारी आशा तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें छाट कोई अवर न त्याऊं जो वर चौंस तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिये चुन चुन सतर हमारे मारिये आप हाथ दे मुझे वरिये मरन काल का त्रास न वरिये वो जो सदा हमारे पच्छा सीरियस तो जू करी और अच्छा राख लियो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दोस्तन के हंता तुम हो पूरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा जू थियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आदि अंत के अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारे सकल प्रया जिन आप सवारी सेवकन को सेवकन सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो काट काट के अंतर की जानत पले बुरे की पीर पशानत चीटी ते कुंचोर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने काट काट के पट पट की जाने जब उद कर करा कर तारा पर जा तर तब दे पारा जब या कर करत हो कब हूँ तुम्हें मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन से सब तारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत बेद भेद अरालम निरंका निरुका निर्लंब आद अनिल अनाद संभ ताका मूड़ उचारत पेदा जाको पेव न पावत वेदा ताको कर पहान अनुमानत महामूड कश पेद न जानत महादेव को कह सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पिव आप अपनी बुद्ध है जेती वर्णत पिन पिन तो हे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा कै भी सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग प्यो राव कही पूपा अंड जे रसे तजकीनी उत्पज खान बहो रच दीनी कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट प्यो शंकर तैठा सगरी सृष्ट दिखाए चंबव आद जुगाद स्वरूप स्वंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवती उत्पाता सकल मलेश करो रणकाता जी अस्तो तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुखित वह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार त्या है ताके काल निकट न है रक्षा हुए ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरे तत्काला कृपा दिस तन जाए निहर हो ताके ताप तनिक मोहर हो हरे दसित कर्मो सब होई दुष्ट शाश वै सके न कोई एक बार जिन तुम्हें समारा एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोखते रहा खड़ग के तो मैं शरण तिहारी आप हाथ दैली हो वारी सर्व ठौर महो सहाई दुष्ट दुख ते ले हो बचाई कृपा करी हम पर जगमाता ग्रांत करा पूरन शुभ राता केलवेक सकल दे को हरता दुष्ट दुखन को छय करता श्री अस्तो जप ए दयाला पूर्ण करा ग्रांत तत्काला मन बांछत फल पावे सोई दुख ना तिसे व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावे
सुने मूड चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकरना तिन नर के रह हो जो जाकी एक बार चौपई को कह चौपई संभ सतरा सह सुपणिजय अर्ध सह सुवंतीन कहिजय पादरव सुधि अष्टमी रविवार तीर सतर द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्याने त्रिया चरित्र मंत्री पूप संवाद 405 सचरित्र समापत मस्व मस्तप जूं दोहरा दास जानकर दास पर कीजे कृपा पार आप हादे राख मोहे मन करम बचन विचार चौपई मैं नगने से प्रथा मनाऊ किसन बिसन कब होना त्याऊ कान सुने पहचान न तीन सो लिब लागी मोरी पगिन सो महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहें गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिय चुन चुन सत्र हमारे मरिय देख तेग जग मैं दो चले राख आप मोह और ना दले तुम मम करो सदा प्रत पारा तुम साहे मैं दास तिहारा जान अपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा पे आप गरीब निवाजा दास दान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रत पारा तुम साहे मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब बैरियन सिंगारो प्रीतम तरो भगवत को त्याना बौर करो कविता विदनाना प्रसन्न जथा माचरित्र चारो चूक होए कब लिहो सुधारो कवे कवे ओ बाच दोहरा जो नि प्रभु सो कहा सो कहो जग माहे जो ते प्रभु को त्याए हैं अंत सुर को जाहे दोहरा हर हर जन दोई एक है बेविचार कछ नाए जलते उप तरंग ज्यो जाली बिखे समाहे दोहरा जब बाईस प्रभ को प्यो जन्म तरा जग आए अब मैं कथा संक्षेपते सब हूँ कह सुनाए कभी बात दोहरा ठाड़ पयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जी तुमरे त्यान को नितुट त्यें हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा काल पुरुष की देमो कोटक विष्णु महेश कोट इंद्र बर्मा किते रव सस करोर जलेश दोहरा राम कथा जुग जुग अटल सब कोई पाखत नेत स्वर्गवास रघुवर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो ये कथा सुने और गावे दुख पाप तह निकट नावे विष्णु भगत किए फल होई याद ब्याद शब सके न कोई सम सतरा सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन तब प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा फूल परी लो लिहो सुधारा दोहरा नेत्र तुमके चरण तर सत्र तीर तरंग श्री भगवत पूरन कियो रघुवर कथा पर संग दोहरा साध साध जानो नहीं वाद सुवाद विवाद ग्रंथ सकल पूरण कियो भगवत कृपा प्रसाद सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नी आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो सिमर शास्त्र वेद सवे बौ पेद कहे हम एक न जान्यो श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखान्यो दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज अस गोविंद दास तुआर राम कली महला तीजा नंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया बधाइयां राग रतन परवार परियां शबद गावन आईयां शब्दो तगावो हरि केरा मन जिनी बसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु में पाया
ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सला तेरी नाम मन बसावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान किता गुरु बैठो जिस दिया ये बड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच सवत कर सपागे कर सपागे सबद बाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तो दवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन को सह नाम हर के लागे कहे नानक तै सुख हुआ तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड़ पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर पर पूरे बिनवंत नन गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे सुनते पनीत कहते पवित सतगुर पर पूरे बिनवंत नन गुर चरण लागे बाजे अनहद तूरे मुदावनी महला पंजमा काल विच तिन वस्तु पयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकर का पयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचे तिसका होए उदारो ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो ताम संसार चरण लग तरिये सब नानक ब्रह्म पसारो श्लोक महला पंजमा तेरा कीता जा तो नाही मैनू जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई तरस प्या मैं रामत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीमा तन मन थीवे हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाही ओथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे पौजल बिखमस गाहो गुर सबदी पर पाहे जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे कल में एहो पुन गुण गोविंद गाहे सब सनो कृपाल समाले साहे साहे बिरथा कोय न जाए जे आवे तु द्याहे श्लोक महला पंजमा अंतर गुर आराधना जेवा जप गुरु नाओ नेत्री सतगुर पेखना सरवणी सुना गुरु नाओ सतगुर से तीरत्या दरगे पाइये ठाओ कौ नानक कृपा करे जिसनो ये बत दे जग में उत्तम काढ़िए बिरले के महला पंजमा रखे रखन हारिया पुवारियन गुरखी पैरी पाए काज सवारियन हुआ आप दयाल मनो न विसारियन साध जना के संग पव जल तारियन साकत निंदक दोष्ट खिन माहे बिदारियन तिस साहेब की टेक नानक मन माहे
जैस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। इस साहेब की टेक नानक मने माहे। जैस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक। गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन, गुरुदेव बंध पसोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश, गुरुदेव मंत निरोधरा, गुरुदेव सांसत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस्परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मजन परंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतित पवित करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जापुद्रा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, मूड पापी जत लाग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा, गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा, हम मूड पापी जत लाग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्करा। वाहिगुरु जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारिक तेरे, तुमरी कृपा मैं सुख तनेरे, कोई न जाने तुमरा अंत, ऊचे ते ऊचा भगवंत, सगल समगरी तुमरे सूतर तारी, तुम ते हो सो आज्ञाकारी, तुमरी गत मेत तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बानी। तो आगे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कौ नानक सब तेरी बड़ियाई, कोई नौ न जाने मेरा। वाहिगुरु जी, तीने ताप निवारण हारा, दुखंता सुख रास, ताको बिघन को लागे, जाकी प्रवागे अरदास। अरदास एक ओंकार। वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय, बार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं, प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले ते आए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईए जिस डिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिए कर नौ निध्यावे ताए, सब थाई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज, सब थाई होए सहाय, दसां पातशाहियां दी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। सतगुरां दे पंज प्यारे, चार साहब जादे, चाली मुक्ते हठियां, जपियां तपियां जिना नाम जपिया, बंड के शकिया देख चलाई, ते गवाही देख सुन के अंडठ कीता, तिना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाई खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े तनारियां नाल चिराए गए, गुरुद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिखी सिद केसां स्वासां नाल निवाए, तिना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। चेते आवे किताबन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रह, देख तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत, श्री साहिब जी साहिब खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहे गुरु।
सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बवेक दान विसाहा दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नी मामा तुची मत पत दे राख्या वाहिगुरु। हे काल पुरख वाहिगुरु जी अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जी ओ श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है भुल्ले दर्शन दीदार ते सेवा संभालदा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे माण ताणियां दे ताण न्योटियां दी ओट न्यासरियां दे आसरे सच्चे पिता वाहिगुरु। तन तन श्री गुरु नानक देव जी महाराज तन तन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज तुहानू हाजिर नाजर जानदे तुहाडे चरण दास बेनती जोधड़ी है मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी तुसीं अपने बच्चों के उपर कृपा करके बख्शिश करके वाहिगुरु जी संध्या वेले दे दीवान सजाउण दी आग्या बख्शी वाहिगुरु जी संध्या वेले दीवाना विच मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह राम कली दी बार दे पाठ उपरंत श्लोक महला नौवा सच्चे पातशाह जी शब्द हजारे शस्त्र नाम माला चौपाई साहब ते सौदा रह रास साहब जी दे पाठां दी सेवा सच्चे पातशाह जी आप ने बख्शिश करके आप लई मेरे वाहिगुरु। पाठ करद्या कोलों सुनद्या कोलों सच्चे पातशाह जी अनेकां तरह दीआं भुल्लां चुक्कां गलतियां हो गईआं होणगीआं मेरे सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी अनजाण जे बच्चे समझ के माफ कर देना मेरे वाहिगुरु। सच्चे पातशाह जी पढ़ी सुनी बाणी अपने दरगाह विच प्रवान करनी मेरे वाहिगुरु जी पढ़ी हुई बाणी दा भाव अपने बच्चों के हिरदिया विच वसाउणा सच्चे पातशाह जी वाहिगुरु जी। सारी संगत तुहाडे चरणां च अरदास बेनती जोधड़ी करदी है मेरे वाहिगुरु। सारी संगत की झोली विच वाहिगुरु जी अमृत की दात अमृत वेला वाहिगुरु जी संगत की चरण तोड़ आप जी के दर्शन की दार से सेवा संभाल दा दान बख्श देना मेरे वाहिगुरु जी। सच्चे पातशाह जी सब दी सिखी केसा सुआसा नाल निब जाए मेरे वाहिगुरु जी डोलन तो बचाओ मेरे वाहिगुरु। सच्चे पातशाह असी तो थोड़े मिनट मिनट डोल जाने मेरे वाहिगुरु जी तुसीं आप ही बचाओ मेरे वाहिगुरु। सिर ते मेहर प्रयात रखो वाहिगुरु जी तुहाडे चरण अरदास बेनती जोधड़ी सच्चे पातशाह जी तुहाडियां बच्चियां भैन जी जसमीत कौर जी भैन जी हरलीन कौर जी भैन जी प्रीति कौर जी नूं चढ़दियां कला शरीरक रोगता बख्शो मेरे वाहिगुरु। बच्चियां दे गृहस्थी जी नूं खुशियां बख्शो मेरे वाहिगुरु। बच्चियां दे घर बसाओ सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी। इन्हां दी किसी जो भी रुकावटां ने मेरे वाहिगुरु जी आप ही उन्हां दा निवारण कर दिओ सच्चे पातशाह। अंग संग सहायो बच्चियां दे सिर ते मेहर भरे हथ रखो मेरे वाहिगुरु। बख्श लो सच्चे पातशाह वाहिगुरु जी तुहाडी बच्ची मनरीत कौर वाहिगुरु जी। बच्ची नूं शरीरक रोगता चढ़दियां कला बख्शो बच्ची नूं सोहणे बोल बख्शो वाहिगुरु जी। बच्ची तां कि तुहाडा हर जस गा सके मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी। वाहिगुरु जी तुहाडे बच्चे जसप्रीत सिंह मनप्रीत सिंह वाहिगुरु जी सुप्रीत सिंह प्रियंका कौर नूं चढ़दियां कला शरीरक रोगता बख्श दो मेरे वाहिगुरु। बच्चियां नूं तंदरुस्तियां बख्शो वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह। बच्चे ठीक हो गए तंदुरुस्त हो गए अपने परिवार च मिल सकन मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह वाहिगुरु। बाकी सारी संगत दे बच्चे जिथे कितने भी रहिंदे ने सच्चे पातशाह जी वह बच्चों के देश प्रदेश च आप ही राखी करनी मेरे वाहिगुरु। बच्चों नूं गुरसिखी जीवन विद्या दा दान सच्चे पातशाह जी चढ़दियां कला तंदुरुस्ती बख्शनी मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह। बच्चों के अंग संग सहाई होना बच्चों सच्चिया सुचिया कमाइया करन दा बल ते उदों बख्शना मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह जी। गुरसिखी जीवन जरूर बख्श देना मेरे वाहिगुरु सच्चे पातशाह। ना भुलो ना भुलाओ ना विसरो ना विसारो मेरे वाहिगुरु जी। स्वास स्वास अपना नाम जपाओ मेरे वाहिगुरु जी। हुण उस तों बाद सच्चे पातशाह जी अगे कथा विचारां दा दीवान लगाउण दी आग्या बख्शनी मेरे वाहिगुरु जी सच्चे पातशाह। अपना इलाही हुक्मनामा बख्शो इलाही हुक्मनामे अनुसार जीवन जीवन का बल ते उदम बख्शना वाहिगुरु जी। अखर लग तुक वाधा घाटा भुल चुक माफ करनी सरबत दे कारे रास करने सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चेता वे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल सत्याकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डंडोत वंदन अनेक बार सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर हथ।
हम सर दीन दयाल ना तुम सर अब पत्यार क्या कीजे बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीजे हो बल बल जाओ रमैया कारने कारण कवन बोले रहाओ बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ए जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवो चिर पे ओ दर्शन देखे सो कोटल गुर सेविए एन सो सहज सुबाए दर्शन परसिए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूरे अरसों कुरसों चटिए तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी खटिए सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कईयत है सूरा आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुर पूरा ठाकुर गाये आत्म रंग सरनी पावन नाम त्यावन सहज समावन संग राव जन के चरण बसे मेरे हेरे संग पुनीता देही जन की तूर देओ कृपा निद नानक के सुख ही जन के चरण बसे मेरे हेरे संग पुनीता देही जन की तूर देओ कृपा निद नानक के सुख एही वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी हुक्मनामा साहब लैंदे हुए बेहल फूलां जुकां नूं संगत बख्शनहार जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी गुरु करी साहिब संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी संगत जी बहुत ही धन्यवाद बेहद ही शुकराना चरण दुख बख्शनदारी उड़ान को शुकराना संगत जी आज कथा विचारां दा दीवान कथा कहानियां साखियां आप जी दी शेयरिंग दा दीवान लगेगा जिन्होंने कथा कहानियां साखियां सुनानियां हो वो प्लीज रेज हैंड कर दें सब तो पहले जसमीत कौर जी शुरू करेंगे जी जसमीत कौर जी के बाद रविंदरजीत कौर जी और फिर अगर उस तो बाद टाइम बचिया तो फिर बाकी संगत जिस तरह भी अलाउ करेगी या हैंड रेस करेगी फिर उन्होंने सेवा मिलेगी जो संगत आज रह जाएगी उन्होंने बारी कल होगी जसमीत जी आप शुरू करो फिर आप जी के बाद रविंदरजीत कौर जी है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सिंह जी अज असी खालसे दे उपर गल करनी है जी खालसा कौन है पिछली जड़ी असी गल कर रहे सी उस दे विच वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की फतेह दे उपर गल हुई सी जदों असी वाहिगुरु जी का खालसा पिछला थोड़ा नाल लेके चलांगे जी क्योंकि उस दे विच ही क्वेश्चन अराइज होया सी
ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰਪਣ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਫਤਿਹ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ? ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਹੂ ਇਜ਼ ਖਾਲਸਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵੈਨ ਵੀ ਸੇ ਖਾਲਸਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਮੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਇਮੇਜ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮੇਲ ਪਰਸਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਸਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਦਮਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਮੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ? ਹੂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਦਾ ਖਾਲਸਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਡਾ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਖਾਲਸਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਨ ਵਨਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਖਾਲਸਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ਡ ਜਾਂ ਫਾਰਮੁਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਿਓ ਮੱਖਣ ਸਮਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋ ਕੇ ਮੱਖਣ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੁੱਧ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਚੋ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੱਖਣ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਜਾਗ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਹੀਂ ਦੀ ਖੱਟੇ ਦੀ ਜਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਸੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ, ਦਹੀਂ ਨੂੰ, ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿੜਕਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਮੱਖਣ, ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਗ ਲਗਾਓ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਲ ਪੰਜ ਪੰਜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੱਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹੀ ਮਨ ਹੀਤੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਮਥਿਓ, ਇਨ ਬਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਜਾਗ ਲਾਇਆ, ਰਿੜਕਿਆ, ਮੱਖਣ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ? ਖੰਡਾ ਵਰਤਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਬਾਟਾ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਸਰਬਲੋਧ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਮਿੱਠਾ ਵਰਤਿਆ, ਚੌਥਾ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਾ ਵਰਤਿਆ। ਆਪੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ,
तो कहिंदे जी उस बाटे दे विच देखना तुहाडा ध्यान उधर होना चाहिए। ते याद करो जो पांच प्यारे जो वारी वारी जपजी साहब जाप साहब तप प्रसाद सवैये बेनती चौपे साहब ते नंद साहब पढ़ रहे होंगे है तो इंज लगता है कि गुरु विच खलो के आप वरत रहा उस टाइम के उपर। इन्हों पंजा दे सुमेल नाल गुरु साहब ने अमृत की दात दिती पांच चीजा नाल दी खंडा वरत्या बाटा मिठा पानी ते चौथा आपा वरत्या जिसनों असी कहने जी पानी। गुरु गोबिंद सिंह जी ने विसाखी वाले दिन सब तो वड्डी बख्शिश गरीबां नूं की दित्ती जी पातशाही दित्ती इन गरीब सिंगन को देही पातशाही जे याद करी हमारी बुरियाई ये रतन सिंह पंगू जी कहिंदे हन। असी शब्द पढ़ते हाँ जी सवा लाख से एक लड़ाऊं तवे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। गुरु गोबिंद सिंह जी ने सब तो वड्डी कृपा यह की जिहड़ी नाम की कला केवल एक शरीर च वरतदी सी केवल एक शरीर च वरतदी सी गुरु साहब ने अपना रूप दे के नाम की कला उन्हां पंजां विच वरता दिती अते उन्हां नूं की आग्या दिती जी वह नाम अगे भी दे सकते हैं जिन्हां तों असीं लै रहे हां जी। हजूर ने बख्शिश की अमृत की दात दिती शब्द की दिता जी खालसा खालसा मेरो रूप है खास जो विसाखी नूं होया उसकी बुनियाद गुरु नानक देव जी ने रखी जो विसाखी नूं गुरु गोबिंद सिंह जी ने कीता उसकी कालना सारी नौ पातशाहियां दे पिछे खलोती है जी। हुण जिहड़ा मेरा रूप है खास सी गल कीती सी जी खालसा मेरो रूप है खास हुण असीं इस शब्द दे उपर आने जी मेरा रूप है खास पंज शब्द लावांगे जी दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी चों लवांगे वह किहड़े किहड़े खालसे तो पहले असीं पंज शब्द पढ़ांगे जी। पहला है जी संत दूसरा है जी भगत तीसरा है जी सेवक चौथा है हर जन ते पंजवा है जी सिख। गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द बोल के गुरु ग्रंथ साहब जी दे शब्द बोल के कहंदे हां जी जिस उपर कृपा हो जाए जिस उपर सतगुर कृपा कर दे जिस शरीर विच गुरु दा शब्द अते उसकी रहमत वर्तन लग जावे ध्यान देना जी जिस शरीर विच गुरु दा शब्द अते उसकी रहमत वर्तन लग जावे सच ए है ओ शरीर भगवान दा रूप हो जांदा जी मतलब ओ रूप खास हो जांदा है। हुण असीं पहले शब्द दे उपर आने हां जी संत संत अते अनंत विच कोई फर्क नहीं इसी एक एग्जाम्पल लें जी इल किन्ना उच्ची उड़दी है पर इन्नी उच्ची उड़ के भी उदी बदकिस्मती यह है कि अपना इको दम ध्यान हड्डो रोड़ी अते मतराड़ उत्ते रखती है ओ इन्नी उच्ची उड़ के जिथे मुरदे का पिंजर पिया ध्यान देना इन्नी उच्ची उड़ के भी जिथे मुरदे का पिंजर पिया उस उत्ते निगाह रखती है ये उदी बदकिस्मती है। जब बंदगी करन वाले उच्चे जीवन की गल चले साड़ी अक्सर बिरथी उधर चली जाती है जड़े संत बन के निकम्मे काम करते हैं पर ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं सोचना अपने दिमाग विच ही गल नहीं लेके आनी। गुरु साहब ने खालसे च मेरा रूप खालसे च मैं वर्तदा हाँ जी ये क्या जी ये पंज मेरा शरीर ने जी गुरु साहब कहने ये जो पंज ने ये मेरा शरीर ने असी पढ़ते हाँ जी रैनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा। गुरु गोबिंद सिंह जी भाई नंद लाल नूं कहंदे हाँ की कहंदे हाँ जी नंद लाल आ जड़ा तू अज स्वरूप मेरा देखदा पिया है सच ए है मैं अपने स्वरूप नूं सिख विच अभेद कर दिता है। सिमरन करन वाले दे सिख दे चेहरे विचों सिमरन करन वाले सिख दे चेहरे विचों गुरु गोबिंद सिंह जी का चेहरा दिसेगा। गुरु साहब ने कितनी वड्डी गल कहती जी भाई साहब का बचन है गुरु गोबिंद सिंह नाल तीन रूप है मोहे के सुनो नंद चितलाल नै नंद चितलाए निर्गुण सरगुण शब्द कहो समझाए एक रूप ते गुण ते परे जिसनु असी कहंदे हाँ जी की कहंदे हाँ
निरंकार दा रूप, एक रूप ते गुण ते परे। दूसरा रूप ग्रंथ जी जान ते महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी बचन करदे हन। तीसरा रूप सिख है मोर गुरबाणी रथ निस अरपोर। इहदा मतलब यह है जी, केवल सिख दा स्ट्रक्चर नहीं कि हां जी बाणा पा लिया, अमृत छक लिया, पंजो ककार रख ले, यह मतलब नहीं, स्ट्रक्चर दा मतलब नहीं है जी। जेड़ा दिन रात, गुरु साहब की कहंदे हन, जेड़ा दिन रात शब्द विच रत्या होवे, हकीकत है नंद लाल ओ सिख मेरा अपना रूप है। गुरु साहब किन्नी चंगी तरीके नाल समझा रहे है कि जो रात दिन अठे पैर दिन रात सुनद्या जागद्या उठद्या बैठद्या शब्द विच रत्या जावे, उस विच नंद लाल ओ सिख मेरा अपना रूप है। अगे चलिए जी, दूसरा शब्द है जी भगत। गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत नामदेव जी पहले शब्द विच कह रहे हैं कि परमात्मा जी, वाहिगुरु जीओ, कि परमात्मा मेरे नाल एक शर्त ला। केड़ी शर्त ला? की पुछया जी उन्होंने, कि तेरे भगत अते तेरे विच कोई फर्क है। बदो की ना होड़ माधो मोसियो, ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर, मेरा रूप है खास। ठाकुर ते जन जन ते ठाकुर, गुरसा कह रहे है मेरा रूप है खास। खेल परे ओ है तोसियो, तेरे नाल एहो जेही खेड है। दास अनन मेरो निज रूप, खालसा मेरो रूप है खास। फिर कह रहे जी दास अनन मेरो निज रूप। अनन दा अर्थ की है जिथे, जेड़ा मेरे मेरे तो बिना खब्बे सज्जे किसे वल नहीं झाकदा, ओ दास मेरा अपना रूप है। फिर किन्नी वड्डी गल कह रहे जी, कि असी मड़िया मसाणिया वरतिए, वो किसे वल नहीं झाकना जी, किसे वल नहीं देखना, सिर्फ ते सिर्फ इको ही गुरु है जी, इको ही परमात्मा है। खब्बे सज्जे किसे वल भी नहीं झाकना, ओ दास मेरा अपना रूप है। निमक एक पर दर्शन करना, तिना पापा दा नाश हो जांदा है। दर्शन निमक ताप त्रिमोचन, परसत मुकत करत ग्रह कूप, मेरी बांदी भगत छडावे, बांदे भगत ना छूटे मोहे, एक समय मोको गह बांदे, तौफन मोपै जवाब ना होए। की कह रहे हैं जी सतगुरु जी? मैं गुण बंद सगल की जीवन, मैं सारी सृष्टि का जीवन हाँ। गुरु साहिब कहने मैं सारी सृष्टि का जीवन हाँ। नाम देव पर चेते रखी, की चेते रखन नू क्या जी? मेरी जीवन मेरे दास, मेरा अपना जेड़ा जीवन है वो मेरे अपने सेवक ने। जो गुरु साहिब दे सेवक बन जाते हैं वो गुरु साहिब दे जीवन बन जाते हैं। इहदा मतलब यह होया जी, भगत अते भगवंत विच कोई फर्क नहीं है। तीसरे दे उपर चलदे हां जी, सेवक अते स्वामी इको रूप हो जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब विच बचन है जी, हर का सेवक जो हर जेहा, भेद ना जाणो मानस देहा, ज्यों जल तरंग उठे बहु पाती, फिर सलले सलल समायदा। सेवक ते स्वामी इक ने, उसका रूप ने, अभेद ने आपस विच। चौथे दे उपर आने जी, हरजन अते हरी इक रूप ने। कबीर पानी हुआ तक क्या पिया, सीरा ताता हुए, हरजन ऐसा चाहिए। कैसा चाहिए जी हरजन? उसका रूप कैसा चाहिए? जैसा हर ही हुए। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा, जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान, हरजन हर अंतर नहीं नानक साची मान। इत्थे गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन है जी, एक हर हर जन दोह एक है, बिब विचार किच नाए, जल ते उपज तरंग जो जल ही विखे समाए। हरी ते हर जन की है जी, इक ने। हुण अगे चलिए जी, पंजवीं गल दे उपर आ जाने हां, सिख। ध्यान देना जी, सिख ते गुरु, गुरु सिख, एको गुर उपदेश चलाए।
गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी कह रही है जी ये गल। सिख सिंह अते खालसे बारे पढ़ांगे जी असी इहदे विच। मैं हुणे पिछे कहा सी ना सिख गुरु गुरु सिख इको गुरु उपदेश चलाए। गुरु दा अर्थ कदी मास्टर उस्ताद नहीं करना जी। सिख दा अर्थ कदी स्टूडेंट जा विद्यार्थी नहीं करना। सिख दा अर्थ की है जी सो सिख सखा बंदप है भाई जो सतगुर के भाणे विच आवे। जो सतगुर का जो सिख अखाए सो पलके उठ हर नाम ते आवे। गुरबाणी कह रही है जी सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाओ। गुरु नू टीचर मास्टर उस्ताद मैं फिर कह रही हूं जी नहीं कहना। असल च की है जी गुरु गुरु परमात्मा दे आपे चो निकली ओ बख्शिश है जिस विच परमात्मा आप वर्तदा है। गुरु रुखा ज्ञान नहीं देंदा गुरु पत्थर वर्गे उत्ते निगाह टिका के उसनू भी अमृत दे चश्मे बना देंदा है। फिर ध्यान देना जी गुरु रुखा ज्ञान नहीं देंदा गुरु पत्थर वर्गे उत्ते निगाह टिका के उसनू अमृत दे चश्मे बना देंदा है जी। दूसरा शब्द है जी अपने को सिख रैत मर्यादा च सब तो पहले क्वेश्चन आंदा जी सिख कौन है। उत्थे लिखिया जो स्त्री जा पुरुष अकाल पुरख नू मन्ने दास गुरु साहिबान दी बाणी नू स्वीकारदा होवे खंडे बाटे दी पौल ते निश्चा रखदा होवे ए मर्यादा च लिखिया जी। पर उंज सिख दे अर्थ सरदार साहिब जी ने की लिखिया जी सिख दा अर्थ है जिस विच गुरु साहिब दी कला वर्तन लग जांदी है। सिख दा अर्थ है जिस विच गुरु प्रगट होके झलकां मारदा जी। आप जपे अवरा नाम जपावे आप जपे कौन है जी सिख वाला काम करे। जो आप जपे अवरा नाम जपावे गुरु वाला काम करे जी। गुरु अते सिख की हन जी अभेद ने। हुण असीं आगे जी मेन टॉपिक दे उपर खालसा ध्यान देना जी। खालसा ओ जमीन दा टुकड़ा जिस दा संबंध किसे रजवाड़े नाल नहीं किसे स्टेट नाल नहीं इस दा संबंध सिद्धा बादशाह नाल है। दूजा खालसे दा अर्थ है जी प्योर शुद्ध जिसनू गुरबाणी च क्या है जियो निर्मल बाहरों निर्मल। असीं पढ़दे हां जी रोज आनंद साहिब दे जियो निर्मल बाहरों निर्मल बाहरों निर्मल ते जियो निर्मल। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने खालसा की परिभाषा 33 सवैये दे पहले सवैये च दिंदे हन। किहड़ा सवैया जी ओह जागत जोत जपे निसबासुर। जागत जोत जपे निसबासुर ए सिद्धांतक अर्थ है जी। खालसा ओ है जो जागदी जोत अकाल पुरख वाहिगुरु जी का नाम जपदा है जिसनू गुरु साहब ने कहा जी कि जाहर जहूर है कि हाजर हजूर है। जिसनू गुरबाणी ने कहा है कि सतगुर शब्द उजारो है दीपा। सतगुर शब्द उजारो है दीपा जेड़ा उस जोत परम जोत नू जपदा है। जागत जोत जबे निसबासुर एक बिना मन एक न आने। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट गल है एक ओंकार तो बिना अपने मन विच किसे होर नू थां नहीं देंदा। पूरन प्रेम प्रतीत सजै जिस दे अंदर अपने इष्ट प्रति इकली प्रीत नहीं नाल प्रतीत भी होवे। प्रीत शब्द प्रतीत तो बिना की है जी निगुणा है। प्रीत दा लफजी अर्थ है प्यार करदे आ प्यार नाल जोड़दे आ जी। कई बार स्वार्थ नू सामने रख के प्रीत कीती जांदी है कि इस दे विच सानू लालच है जी स्वार्थ ते असीं इस नू प्रीत कर असीं नू प्यार करन लग गए। पर प्रतीत दा अर्थ है कि प्रीत विच वरतदे होए नाल कुछ भी वापरे उस प्रीत नू कदी टुटन ना देवे। दोनों प्रीत अते प्रतीत इकट्ठे होंदे हन। प्रत गौर मड़ी मठ भूल ना माने जिस अंदर पूरी प्रीत है वर्त नहीं रखदा कबरा नहीं मंदा जी मड़ियां नहीं मंदा। गुरु साहिब कहंदे हन तीरथ नान दया दम दया दत्त संजम। विखावे दे तीरथ इशनान विखावे दे दान विखावे दे संजम एक बिना ने एक पछाने।
एक तो बिना किसी होर नहीं पछाणदा जी। फिर महाराज जी की कहंदे हन, पूरन जोत जगे कट मैं तब खालस ताहे ना खालस जाने। ये पूरन अवस्था जी, जिस दे अंदर पूरन जोत बलदी है ओ खालसा जड़ा है, ओ सिख जड़ा है, ओ ना मड़िया मसाणिया ना किते होर, और सिर्फ और सिर्फ उदे मन विच सिर्फ इको चीज रहिंदी है जी, उदा मन किते भी नहीं भटकदा, ओ पूरन सतगुर दे उपर विश्वास अटल भरोसा रखदा जी। हुण असीं इक साखी की गल करांगे जी, दे विच एक साखी की गल करदे हां जी। गुरु गोबिंद सिंह कोल भाई डल्ला जी बैठे, भाई डल्ला जी कहंदे, मैनू सुन के बड़ा दुख लग्या, मैनू सुन के बड़ा दुख लग रहा है। की दुख लग रहा जी? कि आप जिया दे माता जी शहीद हो गए, शहीद कर दिते, आप जिया दे साहिबजादे शहीद कर दिते, आप जिया दा आनंदपुर साहिब उजाड़ दिता, इन्ना वड्डा दुख। ते महाराज जी अगों टोक के कहंदे कि डल्या, शरीर नू असी बड़ा वड्डा समझदे हां, पर नहीं डल्या, शरीर नालों वड्डा की है जी, मन है। शरीर नहीं वड्डा, शरीर तो वड्डा डल्या मन है। कहंदा जी मन, महाराज कहंदे हन, ख्याल है वड्डा ते चेते रखी, बाहर दी पीड़ा बाहर दा दुख लोकां दी नजरां च बहुत आया, पर असी पर अपने ख्याल उत्ते इस दुख नू हावी नहीं होन दिता। यही कारण है, ध्यान देना जी, यही कारण है मेरे ख्यालां उत्ते, गुरु साहब कह रहे हैं गुरु गोबिंद सिंह जी, यही कारण है मेरे ख्यालां उत्ते दुख दा असर नहीं होया। मैं तेरे सामने अज भी चढ़दी कला दे विच बैठा हाँ। कितनी वड्डी गल कही जी गुरु साहब ने, मैं अज भी तेरे सामने चढ़दी कला दे विच बैठा हाँ। इत्थों उन्हां दोनों दे विच वार्तालाप शुरू होंदी है जी। डल्ला पूछ लिया जी खालसा की है, वह कहिंदा महाराज मैं समझिया नहीं कि यह किवें हो गया। आप जी कह रहे हो मन तो वड्डा ख्याल है, ख्याल उत्ते प्रभाव ही नहीं पिया। कहिंदे डल्या मैं अपने पुत्रां दी लाशां अपने अखां नाल देखिया है, मैं अपने पुत्रां दी लाशां अपने अखां नाल देखिया है, मैं पिता जी दा सीस देखिया है, मैं छोटियां दी खबर सुनी, मैं रुदन करके बैराग विच लोक देखे, मेरी अखां च पानी ना आया। सारे मिलके बोलो जी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी। मेरी अखां च पानी ना आया क्योंकि मेरे मानसिक पद्धर उत्ते जिन्ने दुख शरीर तक पहुंचना सी, मैं उसनू मूल नू इन्ना घुट के बन्निया, उस उत्ते दुख असर ही नहीं करता। वो अगला सवाल करता है क्यों नहीं करता जी। डल्ला फिर सवाल करता है क्यों नहीं असर करता जी। अगो उत्तर देंदे है, इस करके नहीं करता कि वाहिगुरु की समीपता मिल गई है, समीपता मिल गई। वो अगला सवाल करता जी समीपता किवें मिल गई, तुहानू नेड़ता किवें मिल गई। समीपता का मतलब जी नेड़ता, नेड़ता किवें मिल गई। महाराज जी हस के कहंदे है तेनू समझ नहीं पैनी, समीपता इस करके मिल गई ख्याल बाणी ते नाम विच जुड़ गया। हर टाइम उठते बैठते की ख्याल है जी, सिर्फ ते सिर्फ बाणी ते नाम विच ख्याल सिर्फ जुड़ गया। डल्ला कहंदा असी जंगली बंदे हाँ जी, गुरसा जी तुसी सानू सिद्धे तरीके नाल समझाओ, सीधी सीधी गल करो जी। गुरसा कहंदे है सुन के ओ डल्या बाणी वाहिगुरु दे तीर ने, बाणी वाहिगुरु दे तीर ने, नाम वाहिगुरु दा आपा है जी। नाम की है? वाहिगुरु दा आपा। जब ये सारिया चीजां वापर रही सन मैं अमृत वेले उठ के, गुरसा कहंदे जदों ये सारिया चीजां वापर रही सन मैं अमृत वेले उठ के की कीता जी, जदों बाणी गाउंदा सां, जदों बाणी गौंदा सा, अज भी ये बाणी दे तीर मेरे अंदर जांदे ने, तीर थां बन दिंदा है, नाम अंदर पहुंच के आपा नाल जोड़ दिंदा है। ते जिनू वाहिगुरु दी समीपता मिल जाए उसदे ख्यालां उत्ते हालात असर नहीं करदे। कि
ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਵਸਥਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਡੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਡੱਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਆ ਮੇਰੀ ਹਵੇਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਅੱਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ, ਐ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਡੱਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਡੱਲੇ ਕੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ? ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹਵੇਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਹਵੇਲੀ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੇ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਡੱਲੇ ਦੇ ਖੇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਨੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਫੌਜ, ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾਣਾ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡੱਲੇ ਤੇ ਡੱਲੇ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹਵੇਲੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਅਨਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਰਹੇਗੀ, ਹਵੇਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੁਥਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ। ਕਿਸਦਾ ਮੁਥਾਜ ਹੈ ਜੀ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ, ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ, ਤੇ ਤੀਜਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਡੱਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆੜ। ਚਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆੜ ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਲ ਚ ਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜੀ? ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਲੇਖ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੱਪੀ। ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਇਹ ਲੇਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਵਹਿੰਦੇ ਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਕਿਨਾਰੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਚ ਸੁੱਟੀ ਗਿਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮੋਇਆ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੀ, ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਕੌਣ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਜੀ?
ਕਲਗੀ ਵਾਲਾ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਲੁਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤਾਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਯਮੁਨਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਬੋਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਪਟਨਾ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ। ਸ਼ਾਇਰ ਐਦੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਗਣ ਦੇ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਚ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੀ ਦੱਸ ਦੇ ਜੀ? ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਉਹੀ ਦੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਵੀ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ? ਤੇ ਗੰਗਾ ਵੀ ਖਾਮੋਸ਼। ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੋਦਾਵਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਚ ਨਗੀਨੇ ਸੱਟੇ, ਗੁੱਸਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚ ਨਗੀਨੇ ਸੱਟੇ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਵੀ ਕੀ ਜੀ, ਚੁੱਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਬਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਚੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਖਦੇ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪੂਰਨ ਸਿਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਗਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਪੂਰਨ ਸਿਆਂ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਪਰਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਸਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ। ਛਾਤੀ ਮਾਰੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਸੰਤ ਖਾਲਸੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਜੀ, ਉਸਦਾ ਨਿਵਾਸ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕਿਆ ਕਾਗਜ਼ ਸੱਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਸਵੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹਟਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਤੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ? ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਮੈਂ ਤੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਗਏ, ਕੀ ਕਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਕਾ ਖਾਲਸੇ ਮੇਰੋ ਓਤ ਪੋਤ ਸਾਗਰ ਹੁੰਦੋਰੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਰ ਉੱਡ ਜਾਏ, ਬੂੰਦ ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਾਏਗੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦਾ। ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਤੇ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਪਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
पहले तो सानू त्रुटन वारे दाता जी हाड़े बेनतियां कढ़दे आं आप जी अगे कि कृपा करो साढ़े सारयां दे उपर कि ये अमृत की दात जो गुरु गोबिंद सिंह जी ने सानू दिती है ये केवल बार मुखी राजसी पकड़ लई नहीं है, ये सिर्फ असी दिखावे वास्ते नहीं है जी, ये सचमुच च अंदरों ते बाहरों निर्मल करके जिसनू अमृत की दात मिल जाए ते शब्द अभ्यास करे ओ बाहरों ते निर्मल करके परम खेड़े विच पहुंचाण वास्ते है जी। संगत जी मेरे तो खालसे बारे दसदिया बेअंती भुलां हो गईयां होणगीयां, किते मैं कोई गलती करके ही होंगी, संगत बख्शणहार है जी, आप असीस देना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। रविंदरजीत कौर जी मनजीत कौर जी आप कर लो। हां जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कर लो श्लोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान भंजन गुरुदेव पंथप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सतपुत मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मचन परंपरा गुरुदेव कर्ता सब पापरता गुरुदेव पतित पवित्रा गुरुदेव आचुगा चुग चुग गुरुदेव मंत्र हाचा पुत्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा मोड़ पापी चित लखरा गुरुदेव सात गुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा। राग पौड़ी सोहिला राग पौड़ी दीपकी महला पहला इक्यम कार सतगुर प्रसाद जे घर की रता किए करते का होए विचारो हित घर गावो सोहिला सिमरो सिरजन हारो तुम गावो मेरे निर्भो का सोहिला आओ वारिस चित सोहिले सदा सुख होए रहाओ नित नित चिड़े स्मालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत न पवे तिसाते कौन सुमार सम्मत साहल क्या मिलकर पावो तेल त्यो सज्जन ऐसी सड़िया जी होए साहिब स्यो मेल हार करे हो पहुंचा सदड़े नित पवन सतन हारा सिमरिए नानक से देवन रागा सा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एक होवे सनेक बाबा जे घर कर ते किरत होए सो घर राह बढ़ाई तोय रहाओ वसुए जिसिया घड़िए पैरा तिथि वार महोगा सूरज एक और उत्पन्ने नाना करते के तेवीस राग नासरी महला पहला गगन में थाल रवि चंदी पक मने तारिका मंडल जनक मोती धूप मन आलो पवन चवरो करे सगल बन राई फुलन ज्योति कैसी आरती होए पवन ना तेरी आरती अनहता सबद वांचत पेरी रहाओ सहस्तव नैन 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 सहस्तव नैन नैन सहस्तव नैन 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 मैं तोई को सहस मूरत रना एक तोई सहस पद विमल नन एक पद गंध बिन सहस्तव गंध चलत मोई सब में जोत जोत है सोई तिस्ते चानन सब में चानन होए गुर साखी जोत प्रगट होए जोत इस भावे सुआरती होए हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो अंदिनो मोय आए प्यासा कृपा जल दे नानक सारंग को होए जाते तेरे नाए वासा राग गोड़ी पूपी महला चौथा काम क्रोध नगर दो भरिया मिल साधु खंडल खंडाए
पूरब लिखत के गुर पाया मन हर ली मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वटा है कर डंडोत पुन वटा है रहाओ साकत हर साथ न जानिया तीन अंतर हो में गंडा है ज्यो ज्यो चले चुवे दुख पावे जम काल से डंडा है हर जन हर हर नाम समाणी दुख जन्म मरण भव खंडा है अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सो खंड ब्रह्मंडा है हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राग राग बटवटा है जन नानक नाम था टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गोड़ी पूर्वी महला पंजा करो बेनती सुन मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुबेला मौत घटे दिन सरे नारे मन गुर मिल काज सवारे हाँ। ए संसार विकार संसे में तरयो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगावे प्यावे रस अकत कथा तिन जानी जाको आए सोई बिहाजो हरते घर गुरते मने बसेरा निज घर मैल पावो सुख सहजे और न होए को फेरा अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास हे सुख मांगे मुख कर संतन की दूरे अंतर जामी पुरख विदाते सरदा मन की पूरे नानक दास हे सुख मांगे मुख कर संतन की दूरे तेरे कर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी कर तारे पादशाह शाह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भो होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी श्लोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा ज्ञान बंजन गुरुदेव बंदा सहोदरा गुरुदेव ताता हर नाम उपदेशे गुरुदेव मंत्र निरोधरा गुरुदेव शांत सतबुद्ध मूरत गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन परंपरा गुरुदेव कर्ता सब पाप करता गुरुदेव पतित पवित्रा गुरुदेव आचुगा चुग चुग गुरुदेव मंत्र खाचा पुत्रा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम और पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कार वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अरदास कर लो वाहेगुरु जी वाहेगुरु जी वाहेगुरु 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 जी इन्हें ताप निवारण करा दुखंता सुखरास ताको विघ्न को लाता है जा कितना भागी अरदास अरदास एक ओंकार से वाहेगुरु जी की फतेह पाशाह जैसे प्रथम भगवते सिमर कह गुरु नानक लई कह तिरंग गुरते अमरदास रामदास जी हो सार अर्जन हर गोविंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण जो चिट्ठे सब जाए एक बहादुर सिंह कारण नौ ने दाम है सब थाई हो दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई अंसार दसा पातशाह की जागदी जोत धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान तक पंसा जी बोलो जी वाह पंजा प्यारियां चो असर जागया चालिया मुक्तियां हटियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वन छपिया देख चलाई एक बार
देख के अंडर किया ते ना प्यारे प्यारे ने कमाई दा ध्यान तर खालसा जी गुरु जी वाहिगुरु तन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ओ आपनी मेहर तरस रहम करके संगत गुरु शाम दे दीवान सजाए दाता जी आपनी मेहर कीती आप विचरते दाता जी आपने कथा विचारा दाता जी ओ खालसे दे सतो किया विचारा जाप करते अनेक प्रकार दुकान हो गई बख्श लैना बख्श लैना बख्शन हाथ कृपा लो समर्थ गुरु जी अमृत वेले सब संभाल बख्शनी दाता जी ओ अमृत संभाल आप ही खवाता जी ओ अमृत वेले संभाल जरूर खवाना दाता जी ओ अमृत वेले जागवान सजा आप मेहर करनी कृपा रखनी तरस रखना दाता जी सब का अमृत वेला जरूर खाना सब की सिखी के साथ स्वासा तल निभा दाता जी ओ मेहर करनी कृपा करनी तरस रखना रहम करना सही गुरमुख प्यारे मेरी जिन्हों ने मिले आपका नाम चावे नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत का वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ